गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया था 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट वीडियो में हमने ओम का नियम, प्रतिरोध और वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ये कुछ बातें हमने पढ़ ली थी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वही चीजें जो उसमें थोड़ा बहुत रह गया था, वो इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओम का नियम। देखो, ओम के नियम में हमने पढ़ा कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके उसके जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है उसके समानुपाती होती है। मतलब क्या होता है, विभवांतर समानुपाती है विद्युत धारा के, या ये कहे I समानुपाती है V के, V मतलब विभवांतर, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही बात है। तो V बराबर है IR, IR R क्या होता है प्रतिरोध। मतलब ये सूत्र हम लास्ट वीडियो में निकाल चुके थे कि ये कैसे आया था। अब इसी में देखो, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब अगर ये कोई चालक है तो इस चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो समानुपाती है किसके, इस चालक के दो, ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच विभवांतर कितना है, मतलब वोल्टेज कितनी सप्लाई की गई है इस चालक में, उसके ऊपर निर्भर करेगा क्या विद्युत धारा। मतलब क्या, ये दोनों समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर विद्युत धारा बढ़ती है तो विभवांतर बढ़ेगा, अगर विभवांतर बढ़ता है तो विद्युत धारा भी बढ़ती है, ये समानुपाती का मतलब होता है। तो अब अगर हम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में ग्राफ बनाएं, जैसे ये ग्राफ हमने बना लिया, यहाँ पे हमने ले लिया नीचे विभवांतर, जैसे ये जीरो है, ये दो चार छ आठ दस बारह, ये विभवांतर है, और इस साइड हमने ले लिया भाई एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो पाँच छ सात, ये हमने ले लिया क्या विद्युत धारा। अगर हम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच एक ग्राफ बनाएं तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल सीधा आएगा, और दो राशियों के बीच ग्राफ सीधा तभी आता है जब वो एक दूसरे के समानुपाती होती है। मतलब अगर एक बढ़ेगी तो साथ में दूसरी भी बढ़ती है, उस टाइम ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाए, लेकिन ये ग्राफ बनाने के लिए ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कहाँ से ली, हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर सकते हैं। किसको, ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को सिद्ध करने के लिए मान लो आप लोगों के पास एक चालक है, ये चालक है, हमने क्या सिद्ध करना है कि विभवांतर के साथ विद्युत धारा बढ़ती है, ये सिद्ध करना है। तो हमने विभवांतर भी नोट करना पड़ेगा इस चालक में, और इस चालक में जो विद्युत धारा आएगी वो भी नोट करनी पड़ेगी। तो विभवांतर नोट करने के लिए विभवांतर को कौन मापता है, विभवांतर को मापता है वोल्टमीटर, तो एक वोल्टमीटर इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और जो इस चालक में विद्युत धारा आएगी उसको कौन मापेगा, विद्युत धारा को मापने वाला क्या होता है एमीटर, तो हमें एक एमीटर भी इसमें लगाना पड़ेगा। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है देखो, और वोल्टमीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए इसको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। और ये जो बीच में ये क्या है, ये समझ लो चालक है भाई, जिसमें हमने देखना है कि विभवांतर और विद्युत धारा क्या इनके बीच में कोई संबंध है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को, तो नीचे बैटरी से जोड़ देंगे, ये बैटरी से जोड़ दिया भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्रतिरोध लगाएंगे हम, ये प्रतिरोध है, ये ऐसा प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू घट, मतलब ये जो तीर का निशान मैंने लगाया है, ये मैंने लगा दिया रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें प्रतिरोध को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मतलब जो ये तीर का निशान है ना, ये ऐसी चीज है, इसको आगे खिसकाओगे, इसको पीछे कर दोगे तो देखो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यहाँ पीछे करोगे तो इतना प्रतिरोध आ जाएगा, आगे करोगे तो सिर्फ इतना प्रतिरोध इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रतिरोध को घटाने या बढ़ाने वाला यंत्र समझ लो इसको, जिसको रियोस्टैट बोला जाता है, रियोस्टैट, ठीक है, ये वाली चीज है। अब जब इसमें से करंट गुजरेगा तो करंट यहां से आएगा, देखो ये जो तीर का निशान है यहां रखो इस साइड थोड़ी आगे, अब
जब इसमें से करंट प्रवाहित होगा तो इतना सा प्रतिरोध महसूस होगा उस करंट को, इतना सा, ठीक। तो अब जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये एम्पियर कोई ना कोई करंट शो करेगा, मान लो वो करंट है 1 एम्पियर, और उसी टाइम पे ये वोल्ट मीटर कोई भी वांटर नोट करेगा, मान लो वो है 2 वोल्ट स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट टाइम ये रीडिंग नोट कर ली, नेक्स्ट टाइम हमने यहां प्रतिरोध को थोड़ा बढ़ा दिया, मतलब इसको पीछे खींच दिया है, तो ये थोड़ी सी पीछे चलेगी यहां पे। अब क्या होगा, अब प्रतिरोध बढ़ने से करंट हो जाएगा कम, मतलब इसमें करंट कम आएगा, करंट कम आएगा तो उसके साथ में विभवांतर भी बदल जाएगा। देखो मैंने कहा यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने रीडिंग लेनी है, ये स्टार्टिंग में ऐसे भाई अगर यहाँ ऐसे वैल्यू थी तो करंट एक, जब एक आया एम्पियर तो विभवांतर कितना आया भाई 2 वोल्ट, ये हमने नोट कर लिया। जब 2 एम्पियर करंट था तो विभवांतर कितना 4 वोल्ट, ये हम नोट करते रहेंगे। कब इसको बदल बदल के देखते रहेंगे, अगर इसको ऐसे करेंगे तो देखो प्रतिरोध कम है तो करंट ज्यादा मिलेगा, समझ लो जब इसमें प्रतिरोध कम है तो करंट है 7 एम्पियर ये समझो, और वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट उस टाइम। जब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो प्रतिरोध बढ़ने से करंट कम हो जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ऊपर वैसे समझाने के लिए लिख दी थी, मतलब किसी भी तरीके से कर लो इसको, वैल्यूज यही आएंगी। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा और उसके कोरस्पोंडिंग आपको विभवांतर भी बदलाव मिलेगा। 7 एम्पियर करंट तो 12 वोल्ट, 6 एम्पियर करंट है तो 10 वोल्ट मिलेगा। और ये करंट क्यों बदल रहा है, इधर प्रतिरोध घटने बढ़ने से, तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी। जब हम इन वैल्यूज के बीच में ये ग्राफ पुट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, और ये स्ट्रेट लाइन शो करती है कि विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ जाएगी। अब इस ग्राफ से, ये पेपर में आ जाता है ग्राफ, इस ग्राफ से हम इसमें वो वैल्यू पॉइंट में भी दे सकता है, जैसे वोल्टेज 0.5 0.1 ऐसे विद्युत धारा की भी कोई वैल्यू दे सकता है। अब इस ग्राफ से आप प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो, जैसे प्रतिरोध हमें पता, देखो ये सूत्र है, इस सूत्र से R बराबर क्या होगा, R का मान होगा V/I, तो V/I मतलब अगर किसी बिंदु पे, वो कह देगी किसी बिंदु पे प्रति या इस ग्राफ में प्रतिरोध कितना है, तो किसी एक बिंदु को पकड़ लो, जैसे ये बिंदु है अलग अलग, जैसे यहाँ पे एक बिंदु आया था, इन दोनों के बीच में एक बिंदु आएगा तभी तो ये ग्राफ आया है, या इन दोनों के बीच में एक बिंदु आएगा इस प्रकार, तो कोई एक बिंदु पकड़ो, ये बिंदु पकड़ लिया, यहाँ कितनी वोल्टेज है 6, और उसके कोरस्पोंडिंग विद्युत धारा कितनी है 3, तो 3 × 6 कितना आ गया प्रतिरोध 2। और हम पढ़ चुके हैं कि ये एक स्थिरांक है, मतलब प्रतिरोध स्थिर रहेगा, किसी में भी वैल्यू निकाल के देख लो उसमें प्रतिरोध का मान 2 ही आएगा। जैसे इस बिंदु पे निकाल के देखो, यहाँ वोल्ट कितना 4 और विद्युत धारा कितनी 2 × 4, यहाँ भी किसी भी बिंदु पे निकालोगे प्रतिरोध कितना आएगा 2 ओम ही आएगा। इस प्रकार ये सिद्ध होता है इस ग्राफ से कि विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है। ये था ओम का नियम। अब ओम के नियम से हमने निकाल लिया रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का सूत्र यहां से निकल जाएगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से बहुत सारी चीजें निकलती है, क्या एक से प्रतिरोध दिया जाएगा R बराबर है V/I, ये चीज निकल के आई, मतलब प्रतिरोध का सूत्र निकल के आया कि V/I, और प्रतिरोध का मात्रक भी मैंने बताया था, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, और उसका सिंबल क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है, इसको ओमेगा बोला जाता है, सिंबल को, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब अगर वो पूछ ले कि एक ओम प्रतिरोध कितना होता है, मतलब R का मान 1 कब आएगा, जब V का मान भी 1 होगा, मतलब V का मान 1 I का मान 1, तो R का मान क्या होगा, इन दोनों पर जाए 1 ओम। 1 ओम प्रतिरोध कब होगा, जब किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध होगा 1 ओम, बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं
जिसके इसी सूत्र से हम निकालते हैं क्या I का मान, मतलब विद्युत धारा I बराबर है V बटे R, ये पहले बता चुका हूं मैं, V बटे R मतलब क्या, देखो अगर युग्मांतर बढ़ता है तो इस सूत्र से पता चल रहा है कि V बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, R बढ़ेगा, R के तो उल्टा हो गया ना, मतलब R तो नीचे है तो विद्युत क्रमानुपाती हो गया, R बढ़ेगा तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या, जैसे इस चालक का अगर विभवांतर दोगुना हो गया तो विद्युत धारा भी दोगुनी हो जाएगी, और अगर मैं ये कहूं कि प्रतिरोध अगर दोगुना हो गया इस चालक का तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी, ये बात याद रखना। विभवांतर देखो इस सूत्र से पता चल रहा है कि आई और विभवांतर के साथ सीधा संबंध है, मतलब समानुपाती है, विभवांतर दोगुना हो जाएगा तो विद्युत धारा भी दोगुनी हो जाएगी, विभवांतर तीन गुना हो जाएगा तो विद्युत धारा भी तीन गुना ही हो जाएगी, अगर प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी, बात याद रखना ठीक है भाई, क्योंकि उल्टा संबंध है ठीक है। अब ये ग्राफ ये भी पेपर में आता है, और ये इनमें से ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, ठीक है इनको याद रखना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रतिरोध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई, ओम के नियम से चीज निकल के आई क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने अंदर गुजरने वाली विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है। जैसे ये एक चालक है तो इस चालक में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में दूसरे इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, परमाणु भी आ जाएंगे, आयन भी आ सकते हैं, तो जब वो चलते हैं तो उनके बीच उनके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आती है और वो रुकावट ही प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके द्वारा वह विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है, उसका नाम है वही प्रतिरोध। और प्रतिरोध का सूत्र हमने अभी निकाला था कि R बराबर होता है V बटे I, और R का मात्रक होता है भाई ओम, ठीक है ओम, और इसका सिंबल होता है ये ओमेगा, ठीक। अब हम प्रतिरोध की बात कर लेते हैं, जैसे आपके लोगों के पास कोई चालक है, ये एक चालक ये तार मान लिया हमने भाई, तार है कोई, तो जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करेगा। देखो R जो होता है R प्रतिरोध, जितनी इस चालक की लंबाई है, मान लो इसकी लंबाई है L, जितना ज्यादा ये लंबा होगा इसमें से गुजरने वाली विद्युत धारा को उतने ही ज्यादा रुकावट को फेस करना होगा, मतलब उतनी ज्यादा रुकावट आएगी। अगर तार छोटा होगा तो रुकावट कम महसूस होगी, अगर तार लंबा हो जाएगा तो रुकावट ज्यादा महसूस होगी, मतलब प्रतिरोध का सीधा संबंध है किसके साथ, लंबाई के साथ, लेंथ के साथ, मतलब क्या प्रतिरोध समानुपाती है किससे, चालक की लंबाई के साथ प्रतिरोध है समानुपाती। उसके बाद पहले क्वेश्चन, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या, मोटाई कह सकते हो। चालक का प्रतिरोध जो होता है, किसी चालक का प्रतिरोध ये निर्भर करेगा किन किन चीजों पे, मैं वैसे बता देता हूँ सीधा ही, लंबाई पे, चालक की मोटाई पे, और पदार्थ जो होता है जिससे वो बना होता है, मतलब पदार्थ की प्रवृत्ति समझ लो, पदार्थ की प्रकृति किससे मिलकर चालक बना हुआ है, और एक होता भी तापमान, इन चार चीजों पे किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब लंबाई पे कैसे निर्भर करता, मैंने बता दिया कि प्रतिरोध का सीधा संबंध है लंबाई के साथ, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा लंबाई के साथ तो समानुपाती लंबाई के, और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है किसके साथ, मोटाई के साथ, अगर मोटाई बढ़ती है उसकी, मोटाई बढ़ने का मतलब क्या है, ये जो क्षेत्रफल है ये, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। जैसे अगर एक पाइप ले लो पानी का, अगर पाइप नैरो है,
अगर नैरो पाइप है तो उसमें से पानी थोड़ा फोर्सफुली निकलेगा, मतलब इतना आसानी से नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर पाइप ज्यादा वाइड है, एक पाइप ऐसा है, तो इसमें से पानी आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये जो एरिया है ये बड़ा है। इस एरिया को बोला जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, ये ए है एरिया, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना, अगर ये चौड़ा है तो क्षेत्रफल नहीं है, प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर ये कम है तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, तो ये तो उल्टा संबंध हो गया। तो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, एरिया के। ठीक है भाई, ये होगी दूसरी इक्वेशन। हम तापमान को थोड़ी देर के लिए कंसीडर नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे एक निश्चित तापमान पे, मतलब तापमान नहीं बदल रहा है, तो तापमान तो स्थिर है, समझ लो इसको छोड़ दो, बाकी तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या निकल के आया, पहली और दूसरी इक्वेशन से आर समानुपाती किसके, एल के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके, ए के, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब देखो समानुपाती है, बराबर नहीं है। अगर हम बराबर करना चाहें, जैसे हमने प्रतिरोध के लिए केस में किया था, मतलब वी के केस में से वी समानुपाती है आई के, तो वी बराबर लाने के लिए हमने किसी न किसी स्थिरांक से गुणा करी थी, तो यहाँ भी बराबर लेके आने के लिए किसी न किसी स्थिरांक से गुणा होगी, तो स्थिरांक होगा ये रो, इसको क्या बोलेंगे, रो, रो आर एच ओ, रो बोलेंगे इसको, तो रो आर बराबर रो एल बटे ए, ये सूत्र हो जाएगा भाई किसका, प्रतिरोध का। और ये जो रो है इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता, क्या बोला जाएगा, प्रतिरोधकता। कहने का मतलब क्या है, अभी मैंने जो चीज बताई थी कि चालक का प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है, मोटाई पे, तो ये लंबाई आ गई, ये मोटाई आ गई, तो ये रो क्या होगा, रो होगी भाई पदार्थ की प्रकृति, मतलब इसको प्रतिरोधकता बोला जाएगा। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की इंटरनल प्रॉपर्टी है, किसी पदार्थ का गुण है यह, और सभी पदार्थों का गुण अलग अलग है, मतलब सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। तो यहां से यह सूत्र निकल गया है किसका, प्रतिरोध का, प्रतिरोध। यहां से हम प्रतिरोधकता का सूत्र भी निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे देखो रो इसको एक साइड रखो, आर गुना ए बटे एल, ये किसका सूत्र आया, ये सूत्र आ जाएगा प्रतिरोधकता का। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी, ये होगी प्रतिरोधकता और ये हो गया प्रतिरोध। प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की प्रकृति है जिसके द्वारा वह अपने अंदर से गुजरने वाली विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है। देखो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं लोगों, कैसे, आप लोगों के पास तार है, एक ये तार है, इसकी लंबाई L है, ठीक है, लेकिन ये बना हुआ है किससे, सिल्वर से, लंबाई L है, एरिया A है। एक दूसरा तार आप लोगों के पास है, इसकी भी लंबाई L है और एरिया A है, लेकिन ये कॉपर से बना हुआ है। एक तीसरा तार है जिसकी लंबाई L है और एरिया A है, ये आयरन से मिलके बना हुआ है। क्या देखो, इन सब की लंबाई समान है, एरिया भी समान है, मतलब मोटाई भी समान है, तो क्या इनका प्रतिरोध सभी का समान होगा, क्या इन सभी का प्रतिरोध समान है, नहीं, इन सब का प्रतिरोध समान नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये अलग अलग पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, तो वो जो पदार्थ है उसके कारण प्रतिरोध बदल गया है, तो इसका मतलब है उस पदार्थ की अपने भी तो कोई प्रॉपर्टी है रोकने वाली। वैसे तो लंबाई तो सबकी समान है, एरिया भी समान होगा, लेकिन फिर भी प्रतिरोध समान नहीं है, इसका मतलब इनके अंदर कुछ गुण है जिसके कारण प्रतिरोध बदला है, और वो जो इंटरनल प्रॉपर्टी है उसी को बोला जाता है क्या, प्रतिरोधकता। बात समझ में आएगी, तो प्रतिरोधकता जो होती है ये रो, रो इसका सूत्र हो गया आर गुना ए बटे एल। अब प्रतिरोध का मात्रक तो हमें पता ही है ओम, इसका मात्रक अगर हम निकालना चाहे तो क्या आएगा, देखो यहां से आर का मात्रक है ओम, एरिया क्या होता है
एल गुना एल बटे एल, एक एल, एक एल से एक एल कट गया, तो ओम एल का मात्रक क्या है मीटर, तो रो का मात्रक क्या आ गया भाई ओम मीटर, रो का मात्रक क्या है ओम मीटर। बात समझ आएगी, ओम मीटर ये फॉर्मूले याद करने हैं, इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। अब कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है, कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता होती है कम। जो धातुएं होती हैं उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, मतलब वे अच्छी चालक हैं तभी तो उनकी प्रतिरोधकता कम है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिसकी प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी वो विद्युत का उतना ही बुरा चालक होगा। समझ रहे हो, एक होते हैं भाई सुचालक, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक, कुचालक, और एक एक इनका बीच का होता है जिसको, ये तो बिल्कुल इंसुलेटर है और ये है कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर। मतलब सुचालक का क्या, जो अच्छे चालक हैं जिनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है, उन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। जैसे धातुओं की बात करें, सिल्वर की बात करें, सिल्वर की, चांदी की, क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छी चालक है तो इसकी प्रतिरोधकता होती है 1.60 × 10⁸ ओम मीटर। ये प्रतिरोधकता है किसकी, सिल्वर की। अगर हम कॉपर की देखें तो कॉपर की होती है 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर, देखो थोड़ी ज्यादा है उससे। अगर हम आयरन की देखेंगे तो आयरन की होती है 10 × 10⁻⁸, तो आयरन की थोड़ी ज्यादा प्रतिरोधकता है, तो इसकी सबसे कम है तो ये सबसे अच्छी चालक है, इसकी थोड़ी ज्यादा है तो ये थोड़ी उससे कम चालक है, इसकी और ज्यादा है इसकी कम चालक है। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, जो बिल्कुल कुचालक होते हैं, उन चीजों की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसलिए वो विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रतिरोधक के अंदर कि विद्युत धारा उनमें से गुजर ही नहीं सकती, जैसे पेपर है या प्लास्टिक है, रबड़ है, उन चीजों की प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है। जैसे हम पेपर की बात करें, जो पेपर होता है, पेपर की प्रतिरोधकता होती है 10⁻½ ओम मीटर, ठीक है भाई। अब यहां देखो, यहां तो माइनस में और यह 10⁻½ ओम मीटर, कितनी ज्यादा प्रतिरोधकता है, इसलिए पेपर में से विद्युत धारा गुजर नहीं पाती, ठीक है। यह तो बात होगी प्रतिरोधकता की, किसकी, धातुओं की। एक मतलब धातुओं की प्रतिरोधकता होती है कम, और जो इंसुलेटर होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, उनकी प्रतिरोधकता होती है अधिक। अब थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। एक धातुएं होती है भाई, और एक होती है, एक धातुएं हैं धातु, एक होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु दो धातुओं का मिश्रण है, या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है। मिश्र धातु में क्या हो सकती है, दो धातुएं या तीन धातु या चार धातु, या फिर धातु प्लस अधातु, ये होती है मिश्र धातुएं। तो धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता में क्या अंतर होता है, देखो एक मिश्र धातु के जो कंपोनेंट है जिनसे वो मिलकर बढ़ती है उनकी प्रतिरोधकता होती है कम, लेकिन जब उनसे जो मिश्र धातु बनती है उनकी प्रतिरोधकता होती है अधिक। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, एक मिश्र धातु है जिसका नाम है मैंगनीन। मैंगनीन किससे मिलकर बनी है, कॉपर से, मैंगनीज से और निकिल से, इन तीन धातुओं से जुड़कर एक मिश्र धातु बनी मैंगनीन जिसका नाम है। अब कॉपर की प्रतिरोधकता हमने पढ़ी कितनी, ये 1.69 × 10⁻⁸, ये प्रतिरोधकता किसकी, कॉपर की, और कॉपर से मिलकर ये बनी हुई है। लेकिन इस मिश्र धातु की प्रतिरोधकता जो होगी वो इस कॉपर से 25 गुना ज्यादा है, 25 टाइम्स ज्यादा है, किसकी, मैंगनीन की, कॉपर से। हालांकि कॉपर से मिलकर बनी है लेकिन इसकी प्रतिरोधकता कॉपर से 25 गुना ज्यादा है। एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं, एक है कॉन्स्टेंटन, ठीक है भाई, किससे मिलकर बनी है, कॉपर से और निकिल से, और ये कितनी है, ये 30 टाइम इसकी प्रतिरोधकता कॉपर से 30 गुना ज्यादा अधिक है। ये अधिक मतलब ये विद्युत की
अच्छी चालक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता 30 गुना अधिक है कॉपर से। एक बात कर देते हैं निक्रोम की। निक्रोम, निक्रोम क्या होता है? निक्रोम होता है वो तार जिसका प्रयोग हम हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं, जैसे जो हीटर का तार होता है उसके लिए, या जैसे टंगस्टन भी एक धातु है जिससे ये बनाया जाता है बल्ब का एलिमेंट जो होता है ना, जो जलता है बल्ब के अंदर, वो टंगस्टन से मिलकर बनता है, वो भी एक मिश्र धातु है। तो निक्रोम भी एक मिश्र धातु है जिसका प्रयोग हम हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं। अगर हम निक्रोम की बात करें तो किसकी मिश्र धातु है? निकिल की, क्रोमियम की, मैग्नीज की और आयरन की, चार धातुओं से मिलकर निक्रोम बनती है और इसकी प्रतिरोधकता कॉपर से 60 गुना ज्यादा है, 60 टाइम्स मोर देन कॉपर। तो मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मिश्र धातुएं होती हैं उनकी प्रतिरोधकता उनके कंपोनेंट से अधिक होती है, मतलब जिन चीजों से मिलकर मिश्र धातु बनती है ना, तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल होती हैं उनसे अधिक होती है। इसलिए मिश्र धातुओं का प्रयोग अलग अलग चीजों में किया जाता है, जैसे हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में, या जहां ज्यादा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है, उन चीजों को बनाने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बल्ब में किया जाएगा टंगस्टन का प्रयोग, या हीटर में, या हम जो इलेक्ट्रिक रोड होती है या टोस्टर जो होता है उनके अंदर हमें कोई ऐसी चीज प्रयोग करनी पड़ेगी जो गर्म कर सके चीजों को। तो गर्म वही चीज हो सकती है जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि वो अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देगा, जिसके कारण करंट के कारण करंट उसमें से पास नहीं हो पाएगा अधिक प्रतिरोध के कारण, लेकिन वो हीट के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा, वो चीज ग्लो करना शुरू कर देगी, मतलब वो चमकना शुरू कर देगी। तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनमें हम मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं, मतलब मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? पेपर में आता है कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनमें हम मिश्र धातुओं का प्रयोग क्यों करते हैं, उसके दो कारण हैं भाई। एक पहला कारण तो ये है कि उनका प्रतिरोध उनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। पहला कारण क्या हो गया? प्रतिरोधकता उच्च होती है, अधिक होती है। याद रखना भी ये पेपर में आता है कि हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं या जहां हमें चीज को गर्म करने की आवश्यकता होती है वहां पे हम मिश्र धातु का ही प्रयोग क्यों करते हैं? तो क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है। दूसरा कारण क्या होता है कि अधिक तापमान पर भी मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण नहीं होता। जैसे हम पढ़ चुके हैं, हम किसी धातु को अगर गर्म करें तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है और धातु होती है खत्म, मतलब धातु खराब हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया, जैसे एक बार हीटिंग एलिमेंट में कोई चीज गर्म हुई या उस वो तार गर्म हो गया, वो तो गर्म होते ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो ऐसी चीज चाहिए जो बार बार गर्म हो सके, उसके ऊपर गर्मी से कोई असर ही ना हो। अब धातु जैसे मैग्नीशियम है, उसको तो गर्म किया तो जलना ही शुरू कर देगी, उससे तो ऑक्साइड बन जाएगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। आयरन को हम गर्म करते हैं तो उससे ऑक्साइड बन जाता है। तो हम धातुओं का प्रयोग नहीं कर सकते गर्म करने वाली चीजों में, हम मिश्र धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका गर्म करने से भी ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये कारण होगा कि अधिक अधिक तापमान पर भी ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण नहीं होता। तो भी ये हो गए कारण, किसके कारण? कि हीटिंग एलिमेंट्स के लिए हम मिश्र धातुओं का ही प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी? तो ठीक है भाई, ये बात समझ में आई कि मिश्र धातुओं का क्यों प्रयोग करते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, मतलब हमने डिस्कस कर लिया कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं ये भी जो हमारे काम आएंगे। आगे भी बहुत लंबा चैप्टर है और ये सारी चीजें जो इसमें मैंने सूत्र लिखे थे अभी, प्रतिरोधकता का सूत्र, प्रतिरोध का सूत्र, इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये सूत्र जरूर याद होने चाहिए और उनके हर एक चीज का मात्रक, जैसे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो चीजों को समझ लेना,
कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करना, कंसेप्ट को जितना क्लियर करने की कोशिश करोगे उतना अच्छा है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी, चीज़ों को समझो, समझोगे तो बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, थैंक यू।